हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, हमने यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट्स देखे जिसमें ये आ रहा था कि जिन मेंबर्स की आईडी ब्लॉक हो गई है उनको अपील फॉर्म कैसे भरना है, अपील फॉर्म कहाँ मिलेगा, अपील फॉर्म तो दिख ही नहीं रहा है, उनकी आईडी भी लॉगिन नहीं हो रही है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो ये अपील फॉर्म वाले क्वेश्चन का रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलेगा, और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको अपील फॉर्म फिलअप करना है और वो अपील फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको गूगल, अपने मोबाइल में जो गूगल क्रोम होगा उस गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, और ये आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। सर्च बॉक्स में आप सर्च करिएगा आर एस जी ओ 24 .com। rsgo24.com लिखिएगा तो उसके नीचे ही लिख के आ जाएगा rsgo24.com। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये rsgo24 की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये rsgo24 की वेबसाइट है। इसमें ऊपर ही आपको जहाँ पे rsgo24 लिखा हुआ है उसके राइट साइड में आपको तीन लाइन मिलेगी। इस तीन लाइन पे आप क्लिक करिएगा तो ये मेन्यू ओपन होगा। मेन्यू में आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे साइन अप के जस्ट नीचे अपील लिखा हुआ है। इस अपील पे ही आपको क्लिक करना है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो आपकी आईडी ब्लॉक हुई है उसका यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद हिंदी और इंग्लिश में सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि क्या क्या वहाँ कैसे क्या फिल करना है, तो सारी अपनी डिटेल फिल करके अपील कर दीजिए और आप कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, और किसी को अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि कोई ब्लॉक आईडी मुझे मिल जाए तो मैं उसे लॉगिन करके और उसका अपील फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखा दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से लॉगिन करने के बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप आसानी से फॉर्म फिलअप करके अपील सबमिट कर पाएंगे, और उसके बाद कंपनी क्या डिसीजन लेती है वह आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अपील फॉर्म कहाँ मिलेगा। बस अपील फॉर्म अपील पे क्लिक करना है, और मेनू पे क्लिक करके थ्री लाइन पे क्लिक करके आपको अपील पे क्लिक करना है, और ये आपका लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा होगा, उसे इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आप फिलअप कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले वीडियो में अपील फॉर्म भी मैं फिल करके दिखा दूँ, क्योंकि अभी मौजूदा समय में मेरे पास कोई ब्लॉक आईडी नहीं है। तो अगर कोई आईडी आती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।